हेलो एंड वेलकम टू अनलिमिटेड एजुकेशन। मैं हूं अभिजीत कुमार और मैं बात करने जा रहा हूं आप लोगों का आरआरबी एएलपी साइको टेस्ट के बारे में। ओके, इसमें मैं बात कर रहा हूं आप लोगों का ब्रिक टेस्ट के बारे में और ब्रिक टेस्ट से रिलेटेड मैंने एक लेक्चर डाल दिया है। और आप लोग क्या करना, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन देख लो, वहां से फेसबुक पेज को जाकर के फॉलो करो और फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करके आपस में डिस्कशन कर सकते हो। कोई भी इन्फॉर्मेशन आपका मिस नहीं होगा। जैसे ही ये सारा कंप्लीट होगा साइको टेस्ट, सारा का पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में, वहां से ज्वाइन कर लेना। ये बुक है जो मैं आपको फॉलो करवा रहा हूँ वीके सिंह का, इंग्लिश में भी आता है और हिंदी में भी आता है, और ये किरण का है। आप लोग कम से कम दो बुक ले लो और प्रैक्टिस करो। अगर ऑनलाइन खरीदना है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, अगर ऑफलाइन खरीदना है तो दुकान से आप लोग परचेज कर सकते हो। और देखो, ये जो आप बीके सिंह का बुक देख रहे हो ना, इसी का ये कंटेंट है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता चल जाए कि एएलपी का सिलेबस क्या क्या है। ये बुक आप देख रहे हो, देखो क्या लिखा हुआ है, असिस्टेंट लोको पायलट साइकोलॉजिकल टेस्ट, है ना। यहाँ पे स्टेशन मास्टर या एनटीपीसी कहीं नहीं लिखा हुआ है। ओके, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया था फर्स्ट वाले लेक्चर में ही, ये स्टेशन मास्टर का साइको अलग होता है और एएलपी का साइको अलग होता है। तो एएलपी का साइको का जो ये बुक है, उस बुक में देखो आपका मेमोरी टेस्ट है, और मेमोरी टेस्ट 5 टाइप्स का होता है, कोई भी एक टाइप आपका एग्जाम में आएगा। तो हम लोगों को क्या करना है, 5 टाइप्स देखना है। टेबल एंड वॉच टेबल टेस्ट है, इसमें आपका 2 टाइप है, एक है आपका रो कॉलम टेस्ट और एक है आपका वॉच टेबल टेस्ट। ये है आपका ब्रिक टेस्ट, देखो यहाँ पे हिडन क्यूब नहीं दिया हुआ है। ये है आपका नंबर मैच और डिजिट सर्च और सेम फिगर टेस्ट। तो ये मैंने आपको तीनों करवा दिया, डिजिट सर्च करवा दिया, यस नो करवा दिया और सेम फिगर मैचिंग टेस्ट करवा दिया। ये है आपका सिमिलैरिटी टेस्ट और सेम फिगर सेलेक्ट टेस्ट। तो आपको मैंने सिमिलैरिटी टेस्ट भी करवा दिया और सेम फिगर सेलेक्ट टेस्ट भी करवा दिया, और मैंने ब्रिक टेस्ट करवा दिया, इधर मैंने रो कॉलम टेस्ट करवा दिया। अब आपका बचा हुआ है वॉच टेबल टेस्ट और ये 5, इसके अलावा मैंने सब कंप्लीट करवा दिया। तो जो मैंने करवा दिया उसको आप लोग प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो, और जो मैंने नहीं करवाया वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। आज मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों का हिडन क्यूब के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्यूब क्या होता है। देखो, ये होता है आपका क्यूब, स्क्वायर है ना, तो इसी का 3D फिगर जो मेरा होगा वो क्या होगा, वो होगा मेरा क्यूब। अब देखो, आपसे अगर मान लो मैं ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछता हूँ कि क्यूब का सारा सरफेस मेरा कैसा होता है, तो वो स्क्वायर शेप का होता है। इसका साइड बताओ कितना होगा, सरफेस बताओ, आप बोलोगे 6। देखो, ये सामने से, ये पीछे से, ये लेफ्ट, ये राइट, 4, ऊपर टॉप, नीचे बॉटम, 6। इसको इमेजिन करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है आप लोगों का, आपका रूम, जहाँ पे आप बैठे हुए हो। देखो, सामने का दीवार, पीछे का दीवार, बाएं साइड, दाएं साइड, ऊपर और नीचे, 6 हुआ ना। एज कितना होता है, तो एज होता है आपका 12, 4 ऊपर का, 4 नीचे का और 4 ये वाला, तो एज कितना होगा, 12। वर्टिसेस कितना होता है, तो वर्टिसेस होता है आपका ये कितना है, 4 ऊपर है और 4 नीचे है, 8। सरफेस कितना हो गया, या फेस कह सकते हो, फेस कितना होता है, तो ये होता है आपका 6। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। साइको में काम नहीं आएगा, लेकिन चूंकि आप पढ़ाई कर रहे हो ना, रेलवे का एग्जाम है, जेई है, एसएससी जेई है, कहीं पे भी आ सकता है। चलो इसके आगे बात करते हैं। तो इतना चीज आपको समझ में आ गया। अब मुझे आप एक चीज और बताओ, कॉमन सेंस, ब्रिक टेस्ट का ही ये सब सेक्शन आप कर सकते हो, कॉमन सेंस लगा करके मुझे बताओ। मैंने क्या किया, ऐसे करके 3 क्यूब्स बनाया, ये मेरा 3 क्यूब्स है, ये 2D में मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, और फिर मैंने क्या किया, ऐसे करके फिर से 3 क्यूब को मैंने सेट कर दिया ऐसे करके, फिर मैंने क्या किया, फिर से मैंने इस तरह से 3 कर दिया। तो अब मुझे आप बताओ इसमें कितना है, आप बोलोगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, आप यही बोलोगे ना कि टोटल 9 है। अब मैं आपसे बोलूंगा कि इसी को दूसरे तरीका से काउंट करते हैं। दूसरे तरीका से काउंट करने का मतलब क्या हुआ, इस साइड में कितना है बताओ, इस साइड में 3 है, इस साइड में कितना है, तो आप बोलोगे इस साइड में भी 3 है, तो मैं बोलूंगा 3 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 9। तो 9 है, देखो तो इसमें 9 है ना। चलो, अगर आपसे मैं बोलता हूं कि इस तरह का मेरा आपका 4 है, 4,
और इसी तरह से मैं पूरी तरह से बैठा देता हूँ, इस तरह से इधर से भी फोर और इधर से भी फोर, ठीक है, ऐसे करके और इधर से भी फोर। फिर आप क्या करोगे, इधर से भी होगा ऐसे करके, तो आप इसको काउंट करो तो चार चार आठ चार बारह चार सोलह, यानी क्या देख रहे हैं, चार का स्क्वायर यानी फोर का स्क्वायर सोलह। उसी तरह से अगर मैं आपको इस तरह से फाइव का कर दूं, वन टू थ्री फोर फाइव, और मैं बोलूंगा कि इस तरह से आपको फाइव करना है, तो आप क्या बोलोगे कितना होगा, तो आप बोलोगे 25, क्यों, 5 का स्क्वायर 25। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो ये आप देख रहे हो 2D, क्या देख रहे हो 2D, ये आपका एक लेयर है, मैं इसका बात कर रहा हूँ फिगर नंबर ए का। अगर मैं इसका चार लेयर कर दूं, चार लेयर मतलब समझते हो क्या होता है, ये आपका एक लेयर हुआ, इसी के ऊपर में फिर से मैं रख रहा हूँ, फिर से दूसरा लेयर, फिर उसके ऊपर में तीसरा लेयर, फिर उसके ऊपर में चौथा लेयर, तब मेरा टोटल नंबर ऑफ क्यूब कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 9 × 4 = 36। क्यों, फर्स्ट लेयर में मतलब आपका 9, सेकंड लेयर में 9, थर्ड लेयर में 9 और फोर्थ लेयर में 9। तो ये सारा चीज आपको समझ में आ गया, अगर नहीं आया है लेक्चर देखते रहो, लास्ट तक जाते जाते आपका सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। अब क्या करते हैं, हम लोगों को निकालना है हिडन क्यूब। अब हिडन क्यूब का मतलब क्या होता है, पहले ये बताओ कि जो क्यूब हम लोगों को नहीं दिखता है, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसमें जो क्यूब हम लोगों को नहीं दिखता है, तो वो होता है हिडन क्यूब। अब मुझे एक चीज और बताओ, इसका मतलब आप लोग बताओ क्या होगा, जैसे कि मैं इस तरह से आपका कोई फिगर बना रहा हूँ, ये आपका 1, 2, 3, 4, ठीक है, और इस तरह से, इस तरह से, बस इतना ही है मेरा, तो इसका मतलब क्या हुआ बताओ। अब आप बोलोगे चलो एक लाइन और मैं अच्छे से बता देता हूँ तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब बताओ यहाँ पे मैं बोलूंगा आपको नंबर ऑफ क्यूब बताओ कितना होगा, तो आप क्या 1, 2, 3, 4, 4 का स्क्वायर 16 करोगे, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो होता क्या है ना, दोनों तरफ काउंट करते हैं, अगर मेरा ये इस तरह से रहता ऐसे करके पूरा कंप्लीट, तब हम लोगों का क्या होता, हम लोगों का होता 4 इधर से 1, 2, 3, 4 और 4 इधर से 1, 2, 3, 4, तो 4 × 4 = 16, ये मेरा हो जाता। लेकिन यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे देखो आप अच्छे से, ये क्या है मेरा इस तरह से 1, 2, 3, 4 और ये है मेरा 1, 2। अब बोलूंगा मैं नंबर ऑफ क्यूब बताओ, तो आप क्या बोलोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, या तो आप काउंट करो 8 आएगा 8 आएगा, या तो आप इसका 4 है तो 4 × इधर से 2 है तो 2 कर दो तो 8 आ जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया। अब एक चीज मुझे बताओ कि आपका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा तब आप क्या करोगे, आपका स्ट्रक्चर इस तरह का होगा तब आप क्या करोगे, ऐसे करके सिर्फ होगा, तब आप कैसे निकालोगे, तब आपको नहीं समझ में आएगा। इसका दो तरीका है निकालने का, एक इमेजिन करके हम लोग मान लेते हैं कि ये पूरा है और 4 × 2 करते हैं ये 8 हो जाता है, और ये 2 मिस है तो -2 कर देंगे तो मेरा 6 आंसर हो जाएगा, एक ये तरीका है आपका, या आप डायरेक्ट काउंट कर लो 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो ये तो आपको दिख रहा है तो आपने काउंट कर लिया, अगर आपको नहीं दिखेगा तब क्या करोगे, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है और इसी पे हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हिडन क्यूब टेस्ट, ये आपका क्वेश्चन नंबर वन है और आपको क्या करना है, निकालना है। तो मैंने सारा टेक्निक आपको बता दिया, लेकिन चूंकि अपन लोग पढ़ रहे हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में और यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को टाइम मिलेगा काफी कम, तो हम लोगों को क्या करना है, मैक्सिमम स्पीड रखना है, और मैक्सिमम स्पीड रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो चीजों को जल्दी जल्दी समझना पड़ेगा। ये लेक्चर है, समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लूंगा, जब सीख जाओगे तो आप जल्दी जल्दी करना शुरू कर दोगे। अब देखो फिगर को सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ इमेजिन करना, जैसे मैंने इंजीनियरिंग ड्रॉइंग बताया था, फिगर को आप इमेजिन करो। फिगर को जब आप इमेजिन कर रहे हो तो आपको क्या लग रहा है, देखो ये है आपका फर्स्ट लेयर, ये आपको समझ में आ रहा है, इसके ऊपर में ये है मेरा सेकेंड लेयर, ये आपको समझ में आ रहा है, और ये है आपका थर्ड लेयर, ये आपको समझ में आ रहा है। चलो नहीं समझ में आ रहा है, इमेजिन करो, मैंने क्या किया, इस तरह से क्यूब को सजा दिया, 3, 3, 3 इधर रख के,
फिर उसके ऊपर में मैंने क्या किया, ये चार को रखा है, उसके ऊपर मैंने वन को रखा। अब हम लोगों को निकालना है हिडन क्यूब। अब कैसे निकालोगे, कैसे समझोगे, तो देखो समझने का सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूं आपको। क्या करना है ना, एक साथ नीचे से लेके ऊपर तक पूरा देखना है, पूरा फिगर को आपको एक साथ देखना है। जब आप पूरा फिगर को एक साथ देखोगे तब आपको सबसे ज्यादा एग्जैक्ट आइडिया लगेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते। देखो आपको क्या करना, सबको आप देख लिए एक साथ, तो अब आपने देखा तो अब मुझे यह बताओ आपको देख करके क्या लग रहा है कि ये तीन है। काउंट करना तरीका बता रहा हूं, ये तीन है। चलो देखो ये आपको तीन है या नहीं ये दिख नहीं रहा है, लेकिन आपको ये दिख रहा है कि सेकेंड लेयर पे मेरा क्यूब है। तो सेकेंड लेयर पे कब होगा, जब फर्स्ट लेयर में होगा तब। जब तक नीचे में नहीं होगा तब तक आप ऊपर में कैसे रख दोगे, बताओ, पॉसिबल है नहीं। तो सेकेंड लेयर पे ये जो दिख रहा है इसका मतलब हुआ कि उसके नीचे में मेरा है। समझने का कोशिश करना, सेकेंड लेयर में दिख रहा है मतलब आपका उसके नीचे में फर्स्ट लेयर है। थर्ड लेयर पे अगर आपको कुछ दिख रहा है इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी चीज थर्ड लेयर पे आया इसका मतलब वो सेकेंड के ऊपर होगा और सेकेंड फर्स्ट के ऊपर होगा, यानी कि जो थर्ड पे है उसके नीचे में सेकेंड वाला भी है और फर्स्ट वाला भी है, तभी होगा, हवा में तो रहेगा नहीं। ये आपको समझ में आ गया। तो अब हम लोग क्या करते हैं, काउंट करते हैं। काउंट करने का भी बहुत सारा तरीका होता है, लेकिन मैं आपको बेस्ट वे बताता हूँ। देखो किस तरह से करना है, ये तीन है यानी ये कंप्लीट है, समझने का कोशिश करना। ये आपको दिख रहा है लेकिन ये यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, तभी तो इसके ऊपर में ये दोनों चढ़ेगा ना, ठीक है, यहां तक जाएगा, लेकिन आपको सिर्फ ये दिख रहा है, ये तीन है। तो इमेजिनेशन देखो, इमेजिन पावर बढ़ाओ, इमेजिनेशन पावर बढ़ाओ, ये तीन है तो ये भी तीन होता, आपको एक दिख रहा है यानी कि दो नहीं दिख रहा है। समझने का कोशिश करना, आपको फर्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपको पता ही है कि मैं कैसे बताता हूं। देखो ये तीन है तो ये भी तीन होना चाहिए, तो मुझे एक दिख रहा है दो नहीं दिख रहा है। हम लोगों को क्या निकालना, हिडन, जो नहीं दिख रहा है वो, तो जो नहीं दिख रहा है मैंने लिख लिया प्लस, ठीक है, प्लस, या आप फिंगर पे कर सकते हो, ओके, उंगली पे कर सकते हो। नियम के हिसाब से ये भी तीन होना चाहिए था, होना चाहिए था, आपको वहां पे भी एक ही दिख रहा है। देखो आपको क्या हो रहा है, एक ही दिख रहा है, ये दिख रहा है सिर्फ, उधर का दो नहीं दिख रहा है, तो मेरा दो नहीं दिख रहा है, मतलब इस वाले रो का दो नहीं दिख रहा है और इस वाले रो का दो नहीं दिख रहा है। अब हम लोग फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया, फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया, अब बात करते हैं सेकेंड लेयर का। सेकेंड लेयर देखो चुपचाप सिर्फ आपको देखना है और कुछ नहीं करना है, देखना सीख जाओगे पूरा का पूरा ये चैप्टर ही आपका कंप्लीट। सेकेंड लेयर में देखो मैंने क्या किया, दो इंटा को या दो क्यूब को रखा, तो मैंने रखा, नियम के हिसाब से ये भी दो होना चाहिए तभी तो इसके ऊपर में आएगा, ये तो हवा में होगा नहीं, इसके नीचे में कुछ है, तो ये दो आपको दिख रहा है, आपको ये भी दो दिखना चाहिए लेकिन आपको एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, तो एक नहीं दिख रहा है। चलो ये आपको हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, और उसके ऊपर ये सेकेंड लेयर कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं, थर्ड लेयर करते हैं। थर्ड लेयर में आपका सिर्फ और सिर्फ एक है जो हम लोगों को दिख रहा है, तो हम लोगों को कौन सा नहीं दिखा, तो हम लोगों को दो नहीं दिखा फर्स्ट लेयर में, और सेकेंड लेयर में हम लोगों का आपका ये फर्स्ट लेयर में दो और ये फर्स्ट लेयर का ही दो है, जो इस वाले फर्स्ट सेकंड रो और थर्ड रो का दो दो नहीं दिखा, और सेकंड लेयर में एक नहीं दिखा, यानी टोटल हम लोगों को फाइव नहीं दिखा, हम लोग का आंसर हो जाएगा फाइव। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलो अगर आपको नहीं समझ में आया मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ, एकदम छोटा सा तरीका, इससे हो सकता है आपको समझ में आ जाए। अभी स्टार्टिंग है, सीखना है तो टाइम तो देना ही पड़ेगा। चलो यहाँ पे देखो, अभी मैंने आपको यहाँ पे एक चीज बताया था, देखो यहाँ पे स्क्वायर करके निकालने वाला मैंने आपको बताया था, तो ये वाला कंसेप्ट अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ। फर्स्ट लेयर को देखो, फर्स्ट लेयर को इधर वन टू थ्री, इधर वन टू थ्री, तो फर्स्ट लेयर में कितना क्यूब होना चाहिए, थ्री का स्क्वायर नौ,
9 होना चाहिए। ठीक है, आपको कौन सा दिख रहा है? 1, 2, 3, 4, 5 9 होना चाहिए, आपको 5 दिख रहा है, यानी 4 आपको नहीं दिख रहा है। समझ में आया? ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट लेयर में 4 हम लोगों को नहीं दिख रहा है। अब बात करते हैं सेकेंड लेयर के बारे में। सेकेंड लेयर के बारे में बात करते हैं, देखो 1, 2 इधर 1, 2 तो कितना होना चाहिए? 2 का स्क्वायर 4, कितना दिख रहा है? 1, 2 और 3 3 दिख रहा है, यानी 1 नहीं दिख रहा है, तो 1 नहीं दिख रहा है। हम लोगों का आंसर 5 आंसर। तो मैंने क्या किया, आपको 2 तरीका बताया, आपको जो तरीका अच्छा लगे आप वो तरीका यूज करना। लेकिन एक बात और, अभी वाला तरीका मुझे भी पता है कि आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन पहला वाला तरीका इससे ज्यादा बेस्ट है। बोलोगे कैसे? बस वेट करते रहो, आपको सब पता चलेगा। जो तरीका मैंने बताया वो तरीका दोनों का दोनों बेस्ट है, लेकिन फर्स्ट वाला सबसे ज्यादा बेस्ट है। अब देखो यहाँ पे आपका सेकेंड वाला टेक्निक फेल कर जाएगा। यहाँ पे 3 का स्क्वायर निकालोगे 9, या 4 का 16, या 5 का 25, ये तरीका यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। तो कैसे करना है? इमेजिन करना है, थोड़ा सा इमेजिनेशन का खेल। चुपचाप काउंट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेयर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद सेकेंड लेयर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद थर्ड लेयर के बारे में बात करेंगे, और इसके ऊपर अगर रहता तो फोर्थ लेयर, उसके ऊपर रहता तो फिफ्थ लेयर। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेयर बताओ, ये है आपका, दिख रहा है? दिख रहा है। इसमें देखो 2 होना चाहिए, 1 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है। अगर 2 नहीं होता तो फिर इसके ऊपर में ये कैसे आता, बताओ? ये कैसे आता सेकेंड लेयर में? सेकेंड लेयर में अगर कोई चीज है, इसका मतलब है कि उसके नीचे कुछ है। फर्स्ट लेयर हवा में तो रहेगा नहीं। थर्ड लेयर पे अगर कोई चीज है, इसका मतलब है कि उसके नीचे सेकेंड लेयर में भी कुछ है, और उसके नीचे फर्स्ट लेयर में भी कुछ है। ये अगर आप समझ गए तो हिडन क्यूब टॉपिक आपका पूरी तरह से कंप्लीट। ठीक है, चलो लिखना शुरू करते हैं। देखो इसमें आपको दिख रहा है सारा, इसमें आपको 1 नहीं दिख रहा है। इसमें बताओ आप कैसे समझोगे कि इसमें कितना है? देखो ये 1 था, ये 2 है, और आपको कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 1 दूसरा नंबर और ये तीसरा नंबर है, तभी तो इसके ऊपर में आया है ना। तो 3, 3 में 2 हम लोगों को दिख रहा है, 1 हम लोगों को नहीं दिख रहा है। मैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। चलो इसमें देखो कितना होना चाहिए, कैसे समझोगे इसमें कितना होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए। कैसे समझोगे, आपको कैसे समझ में आएगा कि इसमें 4 होना चाहिए? तो 1 है, दूसरा यहाँ है, इसका मतलब इसके नीचे में कुछ होगा। तीसरा लेयर मतलब नीचे में कुछ होगा। चौथा लेयर मतलब कुछ होगा, तभी तो मेरा उसके ऊपर में लेयर बनेगा ना। तो 4 होना चाहिए, आपको दिख रहा है सिर्फ 1, यानी आपको 3 नहीं दिख रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो फर्स्ट लेयर हम लोगों का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग सेकेंड लेयर पे चले जाते हैं। सेकेंड लेयर देखो, सेकेंड लेयर आपका ये है, ये है, दिख रहा है। उसके बाद देखो ये आपका दिख रहा है, यहाँ पे देखो ये वाला लेयर, ये वाला लेयर। इस लेयर में 1 ऐसा है जो नहीं दिख रहा है। बोलोगे कैसे? तो ये तो आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है, ये भी आपको दिख रहा है, ये भी आपको दिख रहा है, लेकिन ये वाला जो आप देख रहे हो थर्ड लेयर में, ये इसके नीचे में तो होगा सेकेंड लेयर में, तभी तो उसके ऊपर में ये थर्ड लेयर में है। तो ये 1 ऐसा है इस वाले में। अभी हम लोगों ने देखा ना, ये इसमें 4 है फर्स्ट लेयर में, तो इसमें 3 होगा, और 3 में सिर्फ 2 दिख रहा है हम लोगों को, तो 1 नहीं दिख रहा है, तो 1 नहीं दिख रहा है। तो ये आपको क्लियर हो गया, सेकेंड लेयर के बारे में आपको पूरी तरह से पता चल गया। और थर्ड लेयर, थर्ड लेयर में आपका एक ये है, एक ये है, एक ये है, तीनों का तीनों हम लोगों को दिख रहा है। तो हम लोगों को कितना नहीं दिखा, हम लोगों को 3, 1, 4, 1, 5 और 1, 6 नहीं दिखा। तो हम लोगों का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 6। इसके आगे देखते हैं,
मैं बार बार बताता हूँ, अगर नहीं समझ में आए परेशान मत होना, लेक्चर देखते देखते सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखो, मैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये सब कंसेप्ट कहीं पे यूज नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये सबसे ज्यादा बेस्ट है, बस समझ में आ जाना चाहिए। फर्स्ट लेयर देखो, ये फर्स्ट लेयर है, ये देखो सेकंड लेयर है, और ये देखो थर्ड लेयर है ना। चलो, या फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर। चलो, कॉमन सेंस कितना होना चाहिए बताओ? 3 होना चाहिए। तीनों दिख रहा है क्या? तो जी हाँ दिख रहा है, खत्म। इसमें कितना होना चाहिए बताओ? आप बोलोगे 4 होना चाहिए। मैं पूछूंगा कैसे 4 होना चाहिए? कॉमन सेंस लगाए क्या? ये 3 है तो ये इसमें 4 हो जाएगा और इसमें 5 हो जाएगा। अगर ये लगा रहे हो तो फिर गलत सोच रहे हो, ऐसे नहीं लगाना है। आपको लगाना है लेयर देख करके। ये है ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर में मुझे एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर में इधर कितना है वो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मुझे ये तो दिख रहा है ना कि थर्ड फ्लोर पे एक ये चढ़ा हुआ है या फोर्थ फ्लोर पे मेरा ये चढ़ा हुआ, ऐसा कुछ मुझे दिख तो रहा है ना। तो मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि यहाँ पे जब सेकंड फ्लोर पे ये क्यूब है तो इसके नीचे में एक होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर थर्ड फ्लोर पे ये क्यूब है तो इसके नीचे में सेकेंड लेयर पे भी यहाँ पे कहीं होगा और उसके नीचे में भी कहीं होगा। कोई भी चीज एक के ऊपर ही आएगा ना, है कि नहीं? अगर आपको ये दिख रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पे और यहाँ पे है। चलो, तो ये 4 में आपको 2 दिख रहा है, 2 नहीं दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है। अब इस वाले फ्लोर पे आते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर का इस वाले रो में देखते हैं। तो 1 कितना होना चाहिए? तो 1 यहाँ पे देखो आपका क्या है, सेकेंड लेयर में मेरा ये क्यूब है, मतलब इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है और इसके नीचे 1 है। अब देखो यहाँ पे आप बोलोगे 3, इसमें बोलोगे 4 और इसमें बोलोगे 5, तो आपका गलत हो जाएगा। मैंने अभी बताया था ना कि कॉमन सेंस मतलब लगाना है, थोड़ा लॉजिकल वे में लगाना है, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके 2, 3, 4, 5, 6 कर दिए सीरियली, फिर आपका गलत हो जाएगा। ओके, समझने का कोशिश करना। देखो आप कैसे समझोगे, अगर यहाँ पे एक क्यूब और रहता तब आपका ये कहना सही होता कि ये 3 है, ये 4 है और ये मेरा 5 होगा, लेकिन चालाकी कर दिया गया है क्वेश्चन में लोगों को फंसाने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ ताकि समझो, ये 3 था, तीनों हम लोगों को दिख रहा है, ये 4 है। 4 कैसे समझे? 4 समझे ऐसे, यहाँ पे है मेरा सेकंड लेयर यानी इसके नीचे है, यहाँ पे मेरा थर्ड लेयर है यानी इसके नीचे में है मेरा फर्स्ट लेयर तक, इसीलिए मैंने समझा कि 4 है, 2 दिखा और 2 नहीं दिखा, मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब मैं इस पे जा रहा हूँ, ये 1 हुआ, यहाँ पे सेकंड लेयर देखो ये क्यूब है आपका यानी इसके नीचे 1 होगा, दूसरा यहाँ पे देखो ये है आपका यानी इसके नीचे 1 होगा, तीसरा और इसके बाद इधर, इधर हम लोग इस लेयर पे बात कर रहे हैं ना, इस वाले लेयर पे ही बात कर रहे हैं, तो ये है तो इसके नीचे में मेरा आएगा 4th और उसके बाद ये खाली है, तो इस वाले में टोटल 4 है और 4 में मुझे सिर्फ 1 दिख रहा है, तो 3 नहीं दिख रहा है। समझ में आया? तो फर्स्ट लेयर हम लोगों ने निकाल लिया कि फर्स्ट लेयर में हम लोगों को 2 और 3 नहीं दिखा। अब हम लोग चले जाते हैं सेकेंड लेयर पे। सेकेंड लेयर देखो, सेकेंड लेयर में आपको ये दिख रहा है, ये होना चाहिए था तो ये दिख रहा है, इसके बाद यहाँ पे 1 इसके नीचे नहीं दिख रहा है, तो 1 मेरा नहीं दिख रहा है। अब हम लोग चले जाते हैं इस पे देखो कैसे समझोगे, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, कैसे समझोगे कि ये दिख रहा है इसके ऊपर में है, इसके अंदर में 1 है जो इसके नीचे में है, समझ में आ रहा है? तो वो 1 मेरा नहीं दिख रहा है, सेकेंड लेयर मेरा कंप्लीट, सेकेंड लेयर हो गया। अब हम लोग चले जाते हैं थर्ड लेयर पे। थर्ड लेयर कौन सा है? ये है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है और ये दिख रहा है, थर्ड लेयर में मुझे सब दिख रहा है। तो हम लोगों को कितना नहीं दिखा? तो 2, 3, 1 और 1, 3, 2, 5, 6 और 1, 7, तो हम लोगों को 7 नहीं दिखा टोटल। चलो इसके आगे बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा,
7 हो जाएगा आपका आंसर। थोड़ा सा मैंने हाई लेवल का क्वेश्चन लिया हुआ है, समझ जाओगे, सीख जाओगे, जल्दी जल्दी हो जाएगा। देखो पेशेंस हमेशा रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखते हैं, कैसे सॉल्व करोगे। सॉल्व करने का बहुत सारा वे होता है, मैं बात कर रहा हूँ। देखो इस वाले को देखता हूँ, ऊपर का तीनों दिख रहा है, दिख रहा है, नीचे का तीनों दिख रहा है, दिख रहा है। उसी तरह से देखो अब मैं इस वाले में जा रहा हूँ, ऊपर का दिख रहा है, नीचे में एक है जो मुझे नहीं दिख रहा है, मैंने लिख लिया। फिर इस वाले में मैं जा रहा हूँ, ऊपर का दिख रहा है, नीचे का भी दिख रहा है, हो गया। इस वाले में मैं जा रहा हूँ, ऊपर का दोनों दिख रहा है, नीचे का एक दिख रहा है, और इसके नीचे का एक नहीं दिख रहा है, मैंने लिख लिया। फिर इसमें मैं जा रहा हूँ, दिख रहा है, दिख रहा है। फिर इसके नीचे में तीन होना चाहिए, जिस तरह यहाँ पे तीन था और इसके नीचे में तीन था, उसी तरह से इसके नीचे में तीन होना चाहिए था, मुझे सिर्फ एक दिख रहा है, दो नहीं दिख रहा, मैंने लिख लिया। तो हम लोगों का आंसर कितना हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा 4। तो ऐसे करके बनाना है। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, कैसे सॉल्व करोगे। सेम वे, दिख रहा है, दिख रहा है, उसी तरह से इस वाले रो में जाते हैं, ये दिख रहा है और ये ऊपर में है, यानी कि इसका मतलब एक नीचे में है, तभी तो ऊपर में है ना, तो एक नहीं दिख रहा है, ये हो गया। चलो इस वाले में चलते हैं, इस वाले में एक दिख रहा है और दो ऐसा है जो नहीं दिख रहा है, एक इसके नीचे और एक इसके नीचे के नीचे, दो, तो दो नहीं दिख रहा है। फर्स्ट लेयर कंप्लीट, ये फर्स्ट लेयर का था, अब सेकंड लेयर में ये दिख रहा है और इसमें गए, यानी कि इसके नीचे एक नहीं दिखा, एक, तो टोटल मेरा कितना हो गया, टोटल मेरा 4 आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि किस तरह से अब अप्रोच लेना है। मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया, कुछ नहीं करना है। इस वाले में तीन है, कैसे समझोगे, समझोगे आप, सेकंड लेयर पे एक है, इसका मतलब यहाँ एक है नीचे, थर्ड लेयर पे है, इसका मतलब मेरा इसके नीचे के नीचे है, तभी समझेंगे कि मेरा तीन है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, कैसे समझोगे। यहाँ पे फिर से उसी तरह जैसे मैंने बताया आपको, दिख रहा है कम्प्लीट, दिख रहा है कम्प्लीट, मैं इसमें गया, इस वाले में, इस वाले में गया तो ये दिखा मुझे, और ये सेकंड लेयर आ गया, ये सेकंड लेयर आ गया, इसका मतलब है कि फर्स्ट लेयर पे दो है, एक दिख रहा है और एक नहीं दिख रहा है, इसके नीचे वाला नहीं दिख रहा है, तो एक मेरा हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले में जाऊंगा, ये दो है और सेकंड लेयर पे मेरा ये देखो आ गया थर्ड लेयर पे, और ये भी आ गया सेकंड थर्ड पे, मतलब ये नीचे तक गया हुआ है मेरा, तो ये 4 नीचे में है, दो दिख रहा है और दो नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट लेयर मेरा कम्प्लीट। अब हम लोग चले जाते हैं सेकेंड लेयर पे, तो सेकेंड लेयर को अब ध्यान से देखते हैं। सेकेंड लेयर पे आपको ये दोनों दिख रहा है, उसी तरह से ये दो है, कैसे समझोगे, दो है, एक है और ऊपर से पकड़ेंगे, इसके नीचे एक होगा, तो एक मुझे नहीं दिख रहा है, तो सेकेंड लेयर मेरा कम्प्लीट। अब हम लोग क्या करेंगे, थर्ड लेयर पे आ जाएंगे, थर्ड लेयर, थर्ड लेयर पे मुझे चारों दिख रहा है, ये भी 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 दिख रहा है, तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 4। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा 4। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, हर तरह का फिगर है। अब यहाँ पे देखो कैसे समझोगे, देखो कॉमन सेंस, तीनों दिख रहा है, उसी तरह से इसमें तीन है तो इसमें भी तीन होगा, कैसे समझोगे कि इसमें तीन होगा, तो ये तो इसके ऊपर में है, इसके नीचे में एक होगा, और ये थर्ड लेयर पे है, इसके नीचे में होगा सेकंड लेयर और इसके नीचे में होगा फर्स्ट लेयर, तो तीन होना चाहिए, मुझे एक दिख रहा है, दो नहीं दिख रहा है, उसी तरह से इसमें भी आपका तीन होना चाहिए, क्यों, क्योंकि सेकंड लेयर में ये है तो इसके नीचे ये है आपका, ये देखो यानी इसके नीचे होगा और उसके नीचे होगा, ये है उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, इस तरह से आपको समझना है। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं है, सब समझ में आएगा, नहीं कैसे समझ में आएगा। चलो अब मैं एक छोटा सा आपको तरीका, बहुत सारा है, देखो मैं दो तरीका से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि आपका तीनों दिख रहा है, यहाँ पे तीन होना चाहिए, मुझे एक दिख रहा है, दो नहीं दिख रहा है, यहाँ पे तीन होना चाहिए, एक दिख रहा है, दो नहीं दिख रहा है, तो फर्स्ट लेयर मेरा कम्प्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लेयर के बारे में। सेकेंड लेयर ध्यान से देखो, दोनों दिख रहा है, यहाँ तीन होना चाहिए, एक इसके नीचे में है जो नहीं दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी तीन होना चाहिए, एक इसके नीचे और एक इसके नीचे के नीचे जो नहीं दिख रहा है, तो इस वाले में एक नहीं दिखा और इस वाले में दो नहीं दिखा, तो मेरा सेकंड लेयर कंप्लीट। अब हम लोग क्या करते हैं,
थर्ड लेयर में चले जाते हैं। तो थर्ड लेयर में देखो, थर्ड लेयर में आपको क्या हो रहा है, एक दिख रहा है। देखो यहाँ पे थर्ड लेयर का फर्स्ट वाला ये आपको दिख रहा है और ये आपको दिख रहा है एक, इसके नीचे वाला नहीं दिख रहा है, तो एक नहीं दिख रहा है। और फोर्थ लेयर आपको दिख रहा है, यानी जो नहीं दिखने वाला था वो मैंने क्या किया, सारा लिख लिया। अब आप इसको ऐड करो तो दो दो चार, एक पांच, दो सात और एक आठ, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा एट। ठीक है, चलो समझ में आया। इसका एक और मैं तरीका बताता हूँ। देखो कभी कभी क्या होता है ना, क्वेश्चन को देख करके भी अप्रोच करना पड़ता है फास्टेस्ट वे में। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करते हैं स्टाइल में थोड़ा सा, वन टू थ्री है ना, वन टू थ्री, तो नीचे कितना होना चाहिए, नौ होना चाहिए। आपको कितना दिख रहा है, आपको एक दो तीन चार पांच दिख रहा है आपको, पांच यही ना। एक अगर मैं यहाँ लिख दिया तो ये भी तो मेरा इसी में आ गया ना, ये एक ही क्यूब है मेरा, तो एक दो तीन चार पांच मुझे दिख रहा है, यानी चार मुझे नहीं दिख रहा है। समझ में आया कैसे अटेम्प्ट लिया मैंने। चलो फर्स्ट लेयर कंप्लीट, अब बात करते हैं सेकेंड लेयर का। सेकेंड लेयर देखो ठीक से, तो सेकेंड लेयर भी आपका सेम ही है, सेम ही है। अगर मान लो एक मिनट के लिए यहाँ पे मेरा रहता तो क्या होता, वन टू थ्री और वन टू थ्री नौ होता, नौ में से एक है ही नहीं, एक है ही नहीं, तो बचा आठ, और आठ में से एक दिखा, दो दिखा, तीन दिखा, चार दिखा और ये पांच दिखा, पांच दिखा यानी तीन नहीं दिखा, यानी ये तीन यहाँ पे आ गया। सेकेंड लेयर कंप्लीट। अब बात करते हैं थर्ड लेयर का। थर्ड लेयर कैसे करोगे, फिर से उसी तरह से। अगर एक मिनट के लिए मान लो कि यहाँ पे मेरा क्यूब रहता तो एक दो यानी चार, और चार में मुझे एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, दो दिख रहा है और दो नहीं दिख रहा है, जिसमें एक है ही नहीं यहाँ पे, तो एक नहीं दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है, तो चार तीन सात एक आठ मेरा आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि अब आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, समझ में आया। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने दो तरीका से आपको बताया है क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक स्क्वायर कर दो, एक स्क्वायर कर दो, ये तीन का स्क्वायर नौ होना चाहिए, नौ होना चाहिए। एक दो तीन चार पांच दिख रहा है, चार नहीं दिख रहा है। उसी तरह से यहाँ पे आपका नौ होना चाहिए, जिसमें एक कटा हुआ है ही नहीं, बचा आठ, आठ में एक दो तीन चार पांच दिख रहा है, तीन नहीं दिख रहा है, लिख दिए। उसी तरह से यहाँ पे अगर कटा हुआ नहीं रहता तो एक दो यानी चार, चार में से दो दिख रहा है और दो नहीं दिख रहा है, एक कटा हुआ है, बचा एक, बचा एक, ऐसे करके। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर एट देखते हैं कैसे बनाओगे। हर चीज का टेक्निक होता है। देखो अगर आप इस फिगर को इमेजिन करोगे ना, तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि यहाँ से देखो एक दो तीन चार पांच छ, ये छ है ऐसे, और इधर से आपका दो है, तो टोटल कितना हो गया, बारह हो गया। बारह में देखो आपको छह दिख रहा है, एक सातवां दिख रहा है और एक आठवां दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, आठ दिख रहा है, मतलब चार नहीं दिख रहा है, चार नहीं दिख रहा है। फर्स्ट लेयर कंप्लीट, फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड लेयर पे। सेकेंड लेयर कैसे करेंगे, फिर से वही वाला दिमाग लगाओ, फिर से वही दिमाग लगाओ, नंबरिंग कर दो, नंबरिंग कर दो, वन टू थ्री फोर, और इसी तरह से वन टू, तो चार दोनी आठ होना चाहिए। आठ में चार और एक पांच दिख रहा है, और एक इधर से देखो छठा दिख रहा है, तो माइनस छ कर दो, तो आपका दो बचा, तो आपका ये दो। सेकेंड लेयर मेरा कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, थर्ड लेयर चले जाते हैं। थर्ड लेयर में मेरा चार दिख रहा है, चारों का चारों दिख रहा है, यानी चार दो छ हम लोगों को नहीं दिख रहा है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, सिक्स। कितना आसानी से मैंने आपको इसको बताया, उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। अब अगर मान लो ये नहीं समझ में आया, वैसे ये मेथड सबको समझ में आ गया होगा, अब मान के चलो कि ये मेथड आपको नहीं समझ में आया, तो एक और तरीका जो मैंने बताया था स्टार्टिंग से लेकर के अभी तक बहुत बार, क्या करते हैं, ऐसे चलते हैं, दोनों दिख रहा है, ऐसे चलते हैं, नीचे ये ऊपर में दो है, तो इसका मतलब हुआ कि नीचे में दो होगा, तो ऊपर का दोनों दिख रहा है और नीचे में एक है, यानी एक नहीं दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। फिर से इसके इसमें जाते हैं तो इसमें भी दो होना चाहिए, एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। फिर इसमें भी जाना चाहिए, एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। इसमें जाओगे, एक दिख रहा है, एक नहीं दिख रहा है। इसमें जाओगे, दोनों दिख रहा है। फर्स्ट लेयर आपका कंप्लीट हो गया। उसी तरह से सेकेंड लेयर में स्टार्ट करते हैं। सेकेंड लेयर में जाओगे, दोनों दिख रहा है। इसमें जाओगे,
एक नहीं दिख रहा इसके नीचे वाला, तो एक नहीं दिख रहा इसमें जाओगे, एक नहीं दिख रहा है इसमें जाओगे, दोनों दिख रहा है, तो ये मेरा हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, आपका थर्ड लेयर, थर्ड लेयर में देखो सब दिख रहा है, थर्ड लेयर में आपको ये दोनों दिख रहा है और ये दोनों दिख रहा है, तो हम लोगों का आंसर 6। दोनों तरीका है, माइंड सबका अलग अलग होता है, जिसको जो माइंड समझ में आ जाए वो माइंड से करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, देखो फिर से वही सारा दिमाग, थोड़ा सा कॉमन सेंस। यहाँ पे देखो ये कटा हुआ पोर्शन है, ये पोर्शन देखो कटा हुआ है, अगर ये नहीं कटा हुआ रहता तो आपका पूरी तरह से रहता, भरा हुआ रहता, तो अब ये कटा हुआ है, अब आप कैसे करोगे, तो ये सब आपको थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। इमेजिन कैसे करना पड़ेगा, देखो तरीका बताते हैं। देखो पीछे ना, पीछे जो है आपका ये खाली, ये टोटल कितना लेयर है आपका, 3 लेयर है ना, तो ये जो पीछे खाली है इसका मतलब क्या समझोगे, कि सिर्फ थर्ड लेयर खाली है या फर्स्ट सेकंड थर्ड पूरा का पूरा खाली है, कॉमन सेंस लगा के बताओ तो क्या समझोगे। तो आप लोग बोलोगे कि पूरा का पूरा जमीन सरफेस से खाली है। अब बोलोगे कि सर ये कैसे समझेंगे कि जिस तरह इधर है मेरा उसी तरह तो उधर हो सकता है, और अगर दोनों तरफ सेम होता तो यहाँ तो आपका फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर है, इसका मतलब इधर भी फर्स्ट लेयर और सेकंड लेयर होता, लेकिन ऐसा नहीं है, उस साइड आपका पूरा का पूरा सरफेस से खाली है। अगर आपका इस तरह से रहता उधर सेकंड लेयर तक, तो आपको हल्का सा हिंट कर दिया रहता इस तरह से, ताकि आप समझ सको कि सेकेंड लेयर तक मेरा आया हुआ है और थर्ड लेयर मेरा खाली है, लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि उधर जो है मेरा सरफेस से खाली है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉमन सेंस लगाते हैं। कॉमन सेंस कैसे लगाओगे, बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेयर के बारे में। चारों दिख रहा है, इसमें बताओ 3 नहीं दिख रहा है, इसमें बताओ 3 नहीं दिख रहा है, कैसे समझोगे बताओ, गलत हो जाएगा। 3 क्यों बोलोगे आप, वो तो सरफेस से खाली है, तो इसमें यहीं तक जाएंगे, यहीं तक जाएंगे, तो 1 नहीं दिख रहा है, इधर जाना ही नहीं है, 2 तक ही जाएंगे, तो ये थर्ड लेयर, इसके नीचे सेकेंड लेयर और इसके नीचे फर्स्ट लेयर, तो 1 इधर, 1 फर्स्ट लेयर कंप्लीट, सेकेंड लेयर पूरा दिख रहा है, इसमें जाओ ये 2 है, इसके नीचे वाला 2 नहीं दिख रहा है, ठीक है। चलो कभी कभी आंख आप लोगों को लग रहा होगा कि ये हो रहा है ना, इसमें जाओ 2 ही है, तो इसके नीचे 1 दिख रहा है, 1 नहीं दिख रहा है, इसमें जाओ इसमें 1 दिख रहा है, इसके नीचे वाला 1 नहीं दिख रहा है, मतलब क्या हुआ, सेकेंड लेयर मेरा कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग चले जाते हैं थर्ड लेयर में। थर्ड लेयर में आपको ये दोनों दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, सारा दिख रहा है आपको, ये भी दिख रहा है और ये भी दिख रहा है, तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा, 3 1 1 2 1 1, 3 1 4 5 6 7 और 2 9, तो हम लोगों को आंसर दिख रहा है टोटल 9, समझ में आ गया होगा। अगर आपको 1 मिनट के लिए और थोड़ा सा एडवांस वे में बनाना है, मान करके चलो 1 मिनट के लिए आप, तो आप इसको थोड़ा सा और शॉर्टकट में बना सकते थे। बोलोगे कैसे, तो देखो 1 2 3 4 और इधर जाओगे 1 2 3 4, तो 4 चौका 16, 16 और इधर देखो 1 2 3 लेयर, तो 16 गुना 3 कितना हुआ, 48, 48 हुआ। अब आप क्या करोगे, तो इसमें से आपको कुछ दिमाग लगाना है थोड़ा सा, 48 में से यहाँ का 4 माइनस कर दो तो आपका कितना हो गया, 44। इसमें से क्या करोगे, इधर आपका पूरा सरफेस तक है, तो 4 और 3 लेयर है, यानी 12 माइनस कर दो तो 12 माइनस कर दोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 32। और इस 32 में से क्या करोगे, अब आपको जो जो दिख रहा है उसको हम लोगों को काउंट करके माइनस करना है। अब देखो हम लोगों को कौन कौन दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दिख रहा है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 23 दिखा, माइनस 23 कर देंगे तो हम लोग का आंसर 9 हो जाएगा, तो 9।
अब डिपेंड करता है आप लोगों का माइंड कितना स्पीड में चल सकता है। मैं बार बार बता रहा हूँ, हर एक वे में बता देता हूँ। और वैसे भी देखो, जब कोई सेक्शन काफी भारी रहे ना, तो टारगेट करना चाहिए 42% पे। 42% मान लो एक मिनट के लिए 10 क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है, या 12 क्वेश्चन आता है, या 15 क्वेश्चन जो भी आता है, इसका आपका अगर 42% करोगे तो मान लो एक मिनट के लिए 5 क्वेश्चन आता है, तो 12 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो आप क्या करोगे, इसका कट ऑफ क्रॉस कर जाओगे, तो फेल नहीं होना है आपको। और जो सेक्शन जैसे कि यस नो वाला, ठीक है, फिगर सिलेक्शन वाला, सिमिलैरिटी टेस्ट वाला, टेबल टेस्ट, जो आसान है उसमें आप स्कोर करो, जो हार्ड लगे उसमें कट ऑफ पार करो, जो इजी लगे उसमें स्कोर करो। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। और जैसे जैसे करोगे ना आप, जितना ज्यादा प्रैक्टिस, ये सारा काफी आसान है। देखो ये फर्स्ट टाइम आप देख रहे हो ना, तो आपको लग रहा होगा कि क्या है, लेकिन अब आपके सामने यही क्वेश्चन आएगा दोबारा से तो आप काफी जल्दी काउंट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। मोस्ट प्रोबेबली ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका, और मैंने हिडन क्यूब टेस्ट का सारा डिटेल्स आपको दे दिया है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा प्रैक्टिस करते हो। अब देखो एक मिनट के लिए ये क्वेश्चन कैसे बनाओगे, कॉमन सेंस में दो तरीका फिर से बताता हूँ। यहाँ पे देखो तीनों दिख रहा है, फर्स्ट लेयर का बात कर रहा हूँ, इसके अंदर इसके नीचे एक होगा और इसके नीचे एक होगा, यानी दो नहीं दिख रहा है। इसके नीचे होगा तो ये है, और इसके नीचे होगा जो नहीं दिख रहा, एक नहीं दिख रहा। इसके इसमें जाओ, इसके नीचे वाला तो यही हो गया, और इसके नीचे वाला एक नहीं दिख रहा है। फर्स्ट लेयर कंप्लीट, सेकंड लेयर आपका पूरा दिख रहा है। इसमें सेकंड लेयर में ये वाला पूरा दिख रहा है, इसमें जाओ ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसके नीचे एक है जो नहीं दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है, ये पूरा दिख रहा है। तो हम लोग का आंसर कितना हो जाएगा, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, काफी आसान था। अब मैं इसी का एक और तरीका बता देता हूँ, ताकि होता क्या ना, सबको सब तरह का तरीका पसंद आता है। देखो अब कैसे करोगे, फिर से वही सारा कॉमन सेंस, थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। आपको क्या लग रहा है देख करके, आपको देख करके ये नहीं लग रहा है कि ये मेरा 4 है तो ये 4 होगा, 4, 4, 8, उसी तरह से नीचे 4 और 4, 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 16 हुआ, और उसी तरह से 17, इसके नीचे 2 और उसके नीचे 2, तो 17, 2, 19 और 2, 21, टोटल 21 होना चाहिए, टोटल 21 है। अब हम लोग क्या करेंगे, फटाफट काउंट कर लेंगे। काउंट कर लो, आपको कौन सा दिख रहा है, आप बोलोगे कि 1, 2, 3, कोशिश करना सीरियली, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 16 दिख रहा है। अब देखो ये जो मैंने लिखा ना, ये तरीका होता है, 12 अगर यहाँ पे लिखा मतलब यहाँ पे लिख दिया, 11 यहाँ है मतलब यहाँ है, 10 यहाँ है मतलब यहाँ है, 9 यहाँ है मतलब यहाँ है, 8 यहाँ है मतलब यहाँ है, 7 यहाँ है मतलब यहाँ है, ये आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो -16 कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, 5 आंसर हो जाएगा। कितना आसान था ना, हर वे में मैंने बताया। एक दो लेक्चर और मैं डाल दूंगा, आप लोग कमेंट करके बताना अगर चाहिए तो, और नहीं तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा और हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। वेट करो आप लोग नेक्स्ट लेक्चर का, और रेगुलर फॉलो करते रहो, हर एक कॉन्सेप्ट आपका मैं क्लियर कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय, थैंक यू।